देख रहे हैं बिग बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चंडीगढ़ में बीजेपी जेजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी अध्यक्ष अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी चार सदस्य मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से कंवरपाल गुर्जर, ओपी धनखड़ और जेजेपी की तरफ से राजदीप फोगाट के अलावा अनूप धानक भी इस बैठक का हिस्सा थे। वहीं बैठक के बाद अनिल विज ने कहा कि पहली बैठक में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों पर चर्चा की गई है। वित्तीय इम्पैक्ट क्या होने वाला है अधिकारियों को जानने के लिए कहा गया है। इसके अलावा विज ने बताया कि 15 दिन के बाद दोबारा बैठक होगी। इसमें दोनों पार्टियों की 400 से ज्यादा घोषणाएं और भी हैं, इसका अध्ययन किया जा रहा है। पहली बैठक में हमने जो सारे दोनों घोषणा पत्रों के पॉइंट्स हैं, उन सारों पर हमने चर्चा की है और इन सब का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा हर पॉइंट का, और लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, वो दोनों जानने के लिए हमने अधिकारियों को कह दिया। वो भी बैठक में शामिल थे और 15 दिन के अंदर अगली मीटिंग बुलाने का हमने फैसला किया है। हाँ, चर्चा तो सब पर हुई। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी और जेजेपी में किन किन मुद्दों पर बात बन सकती है, लेकिन फिर भी पहली बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। पहली बैठक बेनतीजा साबित हुई है। फसल के एमएसपी पर 10% या 100 रुपए बोनस देना, इस पर सहमति बन सकती है। ग्रामीण बच्चों को नौकरी के लिए परीक्षा में 10 अतिरिक्त अंक मुहैया कराना, इस पर भी सहमति बन सकती है दोनों पार्टियों के बीच में। गठबंधन की सरकार पर इस बात पर गठबंधन हो सकता है कि हर गांव में आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए। कुरुक्षेत्र में संत रविदास का सबसे बड़ा मंदिर बनना दोनों ही पार्टी के लिए एक मेन एजेंडा हो सकता है, जिस पर सहमति बन सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, चालान दरें कम करना, कहीं ना कहीं पूरे सूबे का ये मुद्दा है, तो इस पर दोनों ही पार्टी की सहमति बन सकती है। पंच सरपंच बीडीसी जिला परिषद का मानदेय बढ़ाया जाना, इस पर भी दोनों पार्टियों की सहमति बन सकती है, यानी कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। 10 स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण, आपको बता दें हरियाणा खेल के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो इस मसले पर भी राय बन सकती है। किसानों को स्वरोजगार के लिए फ्री सीएलयू, इसी तरीके से कैंसर और काला पीलिया जैसी जानलेवा बीमारियों का फ्री इलाज मुहैया कराया जाए, सुबह की यह बड़ी समस्या है, तो इस पर भी दोनों पार्टियों की सहमति बन सकती है। ड्रग मुक्त प्रदेश बनाना, नशा एक बढ़ती समस्या है प्रदेश की, दोनों ही पार्टी के जो मैनिफेस्टो रहे उसमें जगह मिली थी, तो इस पर सहमति बन सकती है। इसी तरीके से SYL पर भी दोनों दलों का रुख एक जैसा है, इस पर भी सहमति बन सकती है।